पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी। जी हाँ, मैं उन वरिष्ठ पत्रकार का नाम ले रहा हूँ जिसे आप एबीपी और आज तक न्यूज चैनल में देखते आए हैं। उन्होंने देश और दुनिया की खबरों को प्रस्तुत किया है। जी हाँ, आज 1 अक्टूबर है और दिन है शनिवार का। बहुजन शांति बहुजन। नमस्कार, टीएनएन 24 न्यूज में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख, आप देख रहे हैं टीएनएन 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टीएनएन 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन रैली में उन्हें बुलाया गया था जो गांधीबाग से लेकर नागपुर के संविधान चौक पहुंचे। प्रसाद वाजपेयी जी ने अपने भाषण में एक बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। टीवी पर देखते हैं, ऐसी उनकी एक लैंग्वेज थी। उन्होंने सरकार को जमकर लताड़ा है, तो आइए देखते हैं वो वीडियो, उसके बाद हम चलते हैं आगे। किस तरह से हमने उनका इंटरव्यू किया वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिसके पीछे दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, वो लोगों को जोड़ता था और अपनी आभा मंडल से लोगों को जोड़ते हुए उसने अंग्रेजों से सिर्फ एक लाइन कही गोलमेज की बैठक में कि आप लोगों को ये देश छोड़कर जाना पड़ा। और अंग्रेजों आगे वरिष्ठ नेता पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा है कि हम पत्रकार है और एक पत्रकार की छवि को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और पत्रकार ये चार स्तंभ हैं भारत के, इसे इसकी साख को बचाए रखें। जब उन्होंने गोदी मीडिया के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को भी उन्होंने बधाई दी और साथों साथ टीएनएन 24 न्यूज़ चैनल को शुभकामनाएं दी कि इसी तरह ईमानदारी और लगन मेहनत से अपने चैनल को चलाएँ और सच्चाई को सामने लाएँ। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हम देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि एक पत्रकार के साथ साथ देश के नागरिक की तरह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी ने ऐसे कई मुद्दे उठाए नागपुर के संविधान चौक पर, जिसे लोग देखते रहे और तालियां बजाते रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं अब बात कर रहा हूँ पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी, जिसे हर वक्त सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज़ में और आज तक न्यूज़ चैनल में भी आपने देख चुका है। तो लगातार हमसे वो बात करते रहे, हमने सवाल भी किया, हमने कई सवाल उठाए, हमने मदरसों पे सवाल उठाए, हमने उठाए देश की वो अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए, देश की सरकार पे सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने लगातार हमें जवाब देते गए और उन्होंने बताया कि पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ है, इसे खामोश नहीं रहना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। उन्होंने गांधी जी के बारे में भी कई अच्छी अच्छी बातें बताई, गांधी जी के बारे में समझाया कि गांधी जी कितने महान पुरुष थे और आज गांधी जी के नाम पर क्या किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी ने ऐसे कई सवाल उठाए सरकार पर और कई मुद्दे उन्होंने दागे हैं, आइए हम देखते हैं और एक छोटा सा वीडियो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और ऐसे कार्यक्रमों को अमल तो नहीं कहे, लेकिन लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करने की दिशा में कदम भी बढ़ाते हैं, उनका भी आभार बहुत। संविधान की पहली प्रतिलिपि लेकर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के पास गए थे जुलाई 1948। फिर बात होगी कि कांग्रेस भी नहीं है, तो जनता के बीच क्या है उन्हीं से बातचीत करें। 500 रुपए मिलती है जो आप कह रहे थे, 500 रुपए मिल जाते बैठे। आगे वरिष्ठ नेता पुण्य प्रसाद वाजपेयी जी ने कहा है कि हम पत्रकार है और एक पत्रकार की छवि को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और पत्रकार ये चार स्तंभ है भारत के, इसे इसकी साख को बचाए रखें। जब उन्होंने गोदी मीडिया के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया को भी उन्होंने बताया।